है ये वही विस्की है जो कि अवेलेबल है 200 कंट्रीज और टेरिटरीज में। इसके बिगेस्ट कंज्यूमर है अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। और जब नाम आता है बबन का तो दिमाग में आता है मोस्ट सेलेबल और मोस्ट रेस्पेक्टेड ब्रांड, और इस ब्रांड का नाम है जिम बीम केंटोकी स्ट्रेट बबन विस्की। और वेलकम करता हूं मैं आज आप सब लोगों का व्हील्स ऑफ विस्की के बबन एपिसोड में, और शुरू करते हैं सफर विद जिम बीम ऑन व्हील्स ऑफ विस्की। तो चलिए जल्दी से अब इस विस्की को चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, इसके नोजिंग देख लेते हैं कि आखिर क्या लाजवाब टेस्ट और नोजिंग बोल रही है विस्की। ये ग्लास में हमने इसे पोर किया है, और सबसे पहले बात करते हैं कलर की। कलर इस विस्की का एम्बर कलर है जैसा कि आपको दिख रहा है कैमरे के अंदर, और चेक कर लेते हैं कि आखिर नोजिंग नोट्स क्या बोल रहे हैं इस विस्की के। स्वीट, गेटिंग जेंटल नोट्स ऑफ वेनिला, और साथ में थोड़ा जो टच है वो कोन का भी आ रहा है, बिकॉज जो बबन विस्की है उसके अंदर कोन का इस्तेमाल तो अच्छा खासा किया जाता है, और इसके अलावा भी जो सीरियल्स है उस सीरियल्स की स्वीटनेस जो है उसके भी नोट्स मेरे को इस विस्की के अंदर से मिल रहे हैं, और साथ के अंदर मेरे को मिल रहा है ओकी आरोमा। आप देखिए फ्रेंड्स, जो ये वनीला फ्लेवर है वो इस विस्की के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। इसके अलावा जो टोस्टी ओक का फ्लेवर है वो मुझे फील हो रहा है इस विस्की के अंदर से, लिटिल बिट स्मोकी का भी आपको ये फ्लेवर टेस्ट कराएगी विस्की। आपको स्पाइसी भी है, स्वीट भी है। अगर मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं, तो ये एक गुड बॉडी विस्की है, और इतने सारे फ्लेवर जो हैं ये विस्की आप लोग को फील कराएगी, आप लोग इसको अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। और अगर मैं कंक्लूड करूं और बात करूं अगर मैं फिनिश की, तो फिनिश इस विस्की की रहेगी मेलो मीडियम, और आफ्टर टेस्ट के अंदर आपको ये जो वनीला है उसका फ्लेवर और टेस्ट महसूस कराएगी। प्राइस इस विस्की की है राजस्थान में 1945 रुपये, 1945 रुपीज़, और अल्कोहल बाय वॉल्यूम रहेगा इस विस्की के अंदर 42.8%। अगर बात करें एज स्टेटमेंट की, तो कोई भी एज स्टेटमेंट आपको इस बॉटल के ऊपर नहीं मिलेगा। हालांकि मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस विस्की को मैन्युफैक्चर करने के बाद 4 ईयर्स के लिए कास्क के अंदर रखा जाता है मैच्योर होने के लिए, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर मिल जाए तो इसको इतना टाइम दिया जाता है। अगर बात करें कि बेस्ट किसके साथ रहेगी, तो आप इसको वाटर के साथ ले सकते हैं, बट मुझको तो ये विस्की नीट ज़्यादा पसंद आई है। इसके अलावा जो कॉकटेल्स हैं, आप इससे कॉकटेल्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद इसको इंजॉय भी कर सकते हैं कॉकटेल्स के साथ। अगर मैं बात करूँ कि कौन सा स्नैक्स बेस्ट रहेगा इसकी पेयरिंग के अंदर, तो पेयरिंग में आप इसको ले सकते हैं पनीर टिक्के के साथ, बट वो पनीर टिक्का आपको रोस्ट करना पड़ेगा बारबेक्यू के अंदर, जिससे कि बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्मोकी फ्लेवर उस पनीर के अंदर मिल जाए, तो आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे इस विस्की के साथ। तो अब ब्रेक लगाता हूं मैं आज के सफर को। हालांकि हमारा जो सफर था वो सिर्फ 10 मिनट का ही था, लेकिन जिम बीम का जो सफर है वो सेंचुरी से चलता हुआ आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। और इस सफर के अंदर साथ देने के लिए, इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आपको ये विस्की जरूर से
टेस्ट करनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन विस्की है। क्यों लोग इसके पीछे दीवाने हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में, उसका राज जानने के लिए आपको एक बार तो ये विस्की पीनी ही पड़ेगी। चलिए इजाजत दीजिए मुझे, आता हूं मैं जल्दी नए विस्की वीडियो के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे व्हील्स ऑफ विस्की को। तब तक मैं एंजॉय कर लेता हूं जिम बीम को, बिकॉज केंटुकी इन आवर हार्ट्स एंड बर्बन इन आवर सोल। मैंने नहीं बोला यार, बॉटल के ऊपर लिखा हुआ है। चीयर्स।